हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए फिर से ऐसा अनोखा नाश्ता लेकर आई हूँ जो शायद आपने कहीं नहीं देखा। बहुत ही जल्दी बन जाता है और इसके टेस्ट को कई गुना बढ़ाने के लिए बनाएंगे दही की तीखी चटपटी चटनी। तो चलिए इस रेसिपी को देख लेते हैं। तो इस लाजवाब नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक बड़ा बोल मोटे वाले गाठिया लिए हैं। आप इसके जगह बारीक वाली सेव, नमकीन या भावनगरी गाठिया भी ले सकते हैं। इसे हमें डालना है ग्राइंडर जार के अंदर और इसे हमें पीसना है, लेकिन पानी नहीं डालना है। इसका हमें पाउडर बनाना है, लेकिन इसका आपको दरदरा पाउडर बनाना है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो ये देखिए हमने इसे पीस लिया है। अब हम इसे एक साइड रखेंगे। अब दूसरे साइड हमने लिया है दो बड़े बोल गेहूँ का आटा और इसी में ही हमें सारी चीज़ें डालनी हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे पीसी हुई ये गाठिया जो हमने पीस कर रखे थे, इसे पहले डाल देंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 5 से 6 कलियां लहसुन की जिसे हमने फाइन चॉप किया है। एक टुकड़ा अदरक का लेंगे, इसे भी हमने बारीक काटा है। 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई। साथ ही एक बड़ी प्याज डालेंगे बारीक कटी हुई और एक बड़ा टमाटर भी डालेंगे और इसे भी हमें फाइन चॉप करना है। सारी चीज़ें आपको बारीक ही काटनी है, इस बात का ध्यान रखें। अब हमें इसमें डालना है कसूरी मेथी। तो यहाँ पर हमने 1/2 टेबल स्पून कसूरी मेथी ली है, इसे जायका बहुत ही बढ़ जाता है पराठों का। साथ ही डालेंगे 1/2 कप धनिया, ये फ्रेश धनिया है, इसे हमने धोकर बारीक काट लिया है। स्वाद अनुसार डालेंगे नमक, लेकिन नमक ध्यान से डालिए क्योंकि गाठिए में भी नमक होता है। लगभग 1/2 टेबल स्पून डालेंगे हम सफ़ेद तिल, इसका क्रंच बहुत अच्छा आता है इस नाश्ते में। 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर और पराठों को या इस नाश्ते को ज़्यादा सॉफ्ट और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए 2 टेबल स्पून डालेंगे हम दही। अगर आप दही खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को पहले हमें मिक्स करना है और मिक्स करके हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसका आटा लगाना है। लेकिन सारी चीज़ें पहले आप अच्छे से मिक्स कर लें क्योंकि हमने जो टमाटर प्याज डाला है उसमें जैसे ही नमक जाता है वो अपना मॉइस्चर भी छोड़ने लगती है। इसके लिए सारी चीज़ों में पहले आटे को मिक्स करके इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपको इसका आटा लगाना है। तो आप देख सकते हैं हमने आटा लगा लिया है और अब हमें इसे सेट करने के रखना है लगभग 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट होने के बाद आटा अच्छे से रेस्ट कर लेगा और अब हमें एक पेड़ा तोड़ना है और इसे बिल्कुल आपको बॉल बनाकर फ्लैट करके इसे सूखे आटे में डस्ट करना है और अब हमें इसे बेलेंगे। तो ये देखिए बहुत आसानी से आप इसे बेल पाएंगे और सुबह के नाश्ते में अगर आप ऐसा फटाफट नाश्ता बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है। तो ये देखिए हमने इसे बेल लिया है और अब हम इसे डालेंगे गर्मा गर्म तवे के ऊपर। तो आप देख सकते हैं हमने जो पराठा बेला है उसके दोनों साइड जो टमाटर है ना जो लगे हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं जब इसकी सिकाई होती है। मतलब सिकते वक्त प्याज टमाटर जो गाठिया है इसकी जब भुनाई होती है तो इस पराठे का जायका कई गुना बढ़ जाता है। और इसे हम ऑयल लगाकर अलटते पलटते सेक रहे हैं तो आप देख सकते हैं पराठा कितना टेस्टी और कितना यमी लग रहा है। तो सुबह के नाश्ते में, सुबह के भागदौड़ में आप यह फटाफट इंस्टेंट नाश्ता सबको बनाकर खिला सकते हैं। और इसी तरीके से हमें सारे पराठे बना लेने हैं। आप देख सकते हैं हमने सारे पराठे बना लिए हैं, लेकिन ये कितने सॉफ्ट हैं ये भी आप देख लीजिए। तो ये देखिए जैसे हम हाथों में इसे ले रहे हैं बहुत आसानी से ये हाथों में फोल्ड हो रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। और इसके साथ हम बनाएंगे लाजवाब सी चटनी जो इसके टेस्ट को कई गुना बढ़ा देगी। तो हम बनाएंगे दही लहसुन की चटनी। तो इसके लिए हमें कढ़ाई में लेना है 1 चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म होगा हमें डालना है लगभग 20 से 22 कलियां लहसुन की। साथ ही डालेंगे 1 छोटा टुकड़ा अदरक का जिसे हमने छोटे पीसेस कर लिए हैं और इसे हमें 1 मिनट के लिए भूनना है। जैसे 1 मिनट हम इसे भून लेंगे तब हमें इसमें डालना है हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैंने 1 मोटी वाली हरी मिर्च डाली है, ये कम तीखी होती है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना हो तो आप इसमें छोटी वाली मिर्च जो तीखी होती है वो भी डाल सकते हैं।
और इसे हमें भूनना है तब तक जब तक कि इसकी हल्की भुनाई ना हो जाए, मतलब जो गार्लिक है उसके ऊपर हल्के हल्के स्पॉट ना आ जाए तब तक हमें इसे भूनना है। और ये देखिए हमने इसे भून लिया है। अब ठंडा होने के बाद हमने इसे ग्राइंडर जार में डाल दिया है और इसे हमें दरदरा पीसना है। तो चलिए हमने इसे पीस लिया है। अब एक दूसरे बाउल में हमें लेना है एक कप दही। दही के अंदर हमने जो ग्राइंड करके हरी मिर्च अदरक लहसुन रखा था उसे डाल देंगे। साथ ही हम डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर, दो चम्मच डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर हमने लगभग एक पिंच के करीब ली है और गरम मसाला 1/4 टीस्पून लिया है और इसे हमें मिक्स कर लेना है। ठीक है, सारी चीज़ें अगर आप दही में मिक्स करके दही को पकाएंगे तो दही फटती नहीं है और बहुत अच्छी चटनी बनकर तैयार होती है। लेकिन सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होने तक, दही के लम्स हटने तक आपको इसे मिलाना है। और ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हमें कढ़ाई में लेना है फिर से एक टेबल स्पून ऑयल, 1/4 टीस्पून डालेंगे हम मस्टर्ड सीड्स मतलब राई, और 1/4 टीस्पून डालेंगे जीरा, लगभग 2 चुटकी के करीब डालेंगे हींग, और लगभग 5 से 6 पत्ते करी लीव्स के डालेंगे। इन्हें हमें अच्छे से भून लेना है। जैसे इसकी भुनाई होगी हमें ये मसाले वाली दही इसमें डालकर इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। याद रखिए कि इसे आपको छोड़ना नहीं है, मीडियम आंच करके इसे आप लगातार चला लें और अच्छे से मिक्स होने के बाद ही आपको गैस की फ्लेम हाई करनी है। अब देखिए ये दही जो है वो पतली होने लगी है। अब इसमें डालेंगे हमारे स्वाद अनुसार नमक और इसे पकाते रहना है लगभग 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि दही जो है वो अच्छे तरीके से पक जाएगी और इसमें से जो ऑयल है वो रिलीज होने लगेगा, वो निकलने लगेगा। और जैसे जैसे ये पकती जाएगी चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी लगने लगेगी। और जब ये चटनी पकती है तो सारे घर में इसकी खुशबू आने लगती है। तो आप देख सकते हैं अब जो ऑयल है वो किस तरीके से सेपरेट होने लगा है और जो दही है वो भी पक चुका है। और इस चटनी को आप कई दिन तक स्टोर कर सकते हैं और इस चटनी को आप जब भी दोपहर में दाल चावल या चपाती के साथ भी खा सकते हैं। अगर सब्ज़ी नहीं बनानी है तो बिना सब्ज़ी बनाए आप रोटी इस चटनी के साथ खाएंगे ना, तो आप 2 की जगह 4 रोटी खा लेंगे, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसे आप रोटी पराठे ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, जायकेदार चटनी है। और इसे पकाने के बाद हमें अच्छे से ठंडा करना है और इसके बाद ही हमें एक कंटेनर में डालना है या ट्रांसफ़र करना है और फिर आप इसे स्टोर करें। लगभग 15 से 20 दिन तक ये चटनी ख़राब नहीं होगी, लेकिन इसे आप फ्रिज में रखिए। तो ये देखिए हम जैसे इसे निकाल रहे हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी क्रीमी और कितनी स्मूथ है। तो ये हमारी चटनी हो गई है तैयार इस पराठे के साथ खाने के लिए। तो इस चटनी को आप बनाकर पहले से रख ले और सुबह फटाफट पराठा बनाकर इस चटनी को इस पराठे के साथ परोसे। लेकिन परोसने का अंदाज भी आप देख लीजिए, पराठे के ऊपर इस चटनी को इस तरीके से स्प्रेड कीजिए और गाठिए या प्याज मिर्च के साथ इस पराठों को परोसिए। बहुत ही यम्मी लगता है ये नाश्ता, ज़रूर बनाकर देखिए। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।